खबर आ रही है लिरासपुर जिले से। कांग्रेस नेताओं से कहा, एकजुट होकर करे काम, आलाकमान तय करेगा विधायक नाम। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सक्रिय हुई कांग्रेस, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बैठक में दिया एकजुटता का संदेश। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में बुधवार को मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने के उद्देश्य से वचन पत्र में शामिल करने के लिए जिले के कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपस्थित नेताओं व कार्यकर्ताओं ने एकमत होकर लिरासपुर जिले की दोनों विधानसभा सीट पर विजय होने का संकल्प दोहराया। अलीराजपुर से जिला ब्यूरो चीफ जितेंद्र यादव की खास रिपोर्ट। हमने भी जो कि सिरजावाड़ा में भूमि पूजन भी किया था, लेकिन आज तक नर्मदा का पानी नहीं पहुंचा। शीघ्र इसका भी एक वहां जोड़े, वेरी गुड, अच्छा लगे। तीसरा, एक यहां पे मेडिकल कॉलेज का। कांग्रेस की सरकार आने पर सबको पेंशन दी जाएगी। ये पुलिस के अधिकारी आकर बोलते हैं कि अब पुलिस वालों ने भी ठान लिया है इनको अच्छे से अंदर करना है, क्योंकि जब बाला बच्चन जी गृह मंत्री थे तब पैसा नहीं चलता था, अब तो इनमें पैसा ही चलता है। और सबसे बड़ी बात, नरोत्तम मिश्रा जी से कोई पूछ ही नहीं रहा। जो भी पैसा लेना देना है मुख्यमंत्री जी के घर पर होता है, नरोत्तम मिश्रा जी को तो बिठा दिया है। तो आप लोग समझ लो गृह मंत्री की नहीं चल रही है। जब अपनी सरकार थी गृह मंत्रालय का पूरा बाला बच्चन जी देखते थे और बिल्कुल कमलनाथ जी हस्तक्षेप नहीं करते थे, जो होता था बाला बच्चन जी को करना है। और हमने कभी ऐसी घटनाएं होती नहीं देखी, नेमावर कांड जहां हमारी आदिवासी बहनों को 10 फुट गड्ढे में गाड़ दिया, नीमच कांड जहां हमारे आदिवासी को राम सिंह भील को घसीट कर बीजेपी के संकट ने मार डाला, फिर सिवनी की कांड जहां दो भाइयों को सिर्फ गोमांस की शक पर बजरंग दल के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया, और अभी महू का कांड जहां पर एक बलात्कार हुई बहन के न्याय मांगने के लिए जब थाने पर हमारे साथी लोग गए तो थाने पर उन पर गोलियां चलाई गई और एक हमारा साथी मारा गया। और जिस बहन का बलात्कार हुआ था, जिसको मार डाला, उसके पिता पर 307 की कायमी कर दी। ऐसा कभी सुना था हमारी कांग्रेस की सरकार में? ये सब बीजेपी की सरकार में होता है, क्योंकि जितने भी लोग हैं इनको बचाने का काम सरकार करती है, जो दोषी लोग हैं। तो अब ये काम नहीं चलेगा, हम ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। और जैसा कि बोला कि हम तो डंडे खाने के लिए तैयार है, आप सब भी डंडे खाने के लिए तैयार हो जाओ। हम तो खा ही रहे हैं, कभी डंडे भोपाल में खा रहे हैं, कभी जबलपुर में खा रहे हैं, कभी दिल्ली में खा रहे हैं। अभी 50 से ज्यादा तो केस मेरे पर हो गए। अभी 3 दिन पहले एक दिल्ली का समन आया, दिल्ली कोर्ट में पेश होना है, पटियाला कोर्ट में 1 मई को मेरा दिल्ली का समन है। दिल्ली में भी जाकर वहां जेल में गए तो अभी पटियाला हाउस में पेशी 1 तारीख को मिली। तो हम तो लड़ेंगे, पर आप भी जाग जाओ, ताकत से लड़ो, और कहीं भी दिक्कत आएगी तो हम पूरा परिवार एक साथ आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय। सबने मेडिकल कॉलेज की बताई, रोड की बताई, पानी की समस्या, आज बेरोजगार युवा रोजगार नहीं मिल रहा, उनकी समस्या भी दूर करना है। एक समस्या मेरे क्षेत्र में सोनडा में जो हीरा घसता, जो बेरोजगार बेचारा आज वो कर रहा है, 500,000 रुपये कमाता। हमारे छकतला में और मतलब कई कारखाने हैं जो सिक्का है, राजू कारखाने चला रहे हैं, लेकिन उनको एक भवन दिया जाए अपनी सरकार आई तो ताकत से। और ये जो घोषणा पत्र इतना अच्छा बन रहा अपना, कर्जा माफी का, कई ऐसी योजनाओं का, तो कमलनाथ जी आज 1500 लाडली बहना का कर दिया, गैस सिलेंडर 500 रुपये में कर दिया। तो ये मुख्यमंत्री भी कर सकता था, उनकी तो केंद्र में सरकार है, लेकिन कमलनाथ जी जिस रोज मुख्यमंत्री बनेंगे आपको 500 का सिलेंडर मिलेगा, 1500 लाडली बहना का मिलेगा। हर महिला को हम लोग 1500 रुपये महीना देंगे, ध्यान रखना, उसमें कोई शर्त नहीं होगी, 1500 रुपये महीना देंगे। दूसरी बात, हम एक पोस्टर पेम्पलेट ऐसा ला रहे हैं जो आप लोग लगा लेना उसको, आप लोग क्योंकि आदरणीय नाथ साहब की तरफ से देखो, आसपास देखो, किसी ने हाथ नहीं उठाया तो सब खड़े करो।
बराबर सबको खड़े करना है, नहीं तो नेता लोग नहीं खड़े तो अच्छा नहीं लगेगा। बोलेंगे कार्यकर्ताओं को जेल भेज दो, अपन नेता लोग जाएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो आप लोग तैयार हो, ताकत से तैयार हो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।